विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा कुंडली है। मन का स्वामी कौन है? हमारा कुंडली है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा कुंडली है। मन का स्वामी कौन है? हमारा कुंडली है। धर्म कर्म का अनुयायी इतनी सरलता से अपने पद से भटकने वाला था? विकार तो उस चोर के समान है जो आत्मा पर सेंध लगाए रहते हैं। थोड़ा सा भी अवसर मिले तो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य एक बार विचारों में आ जाएं तो वो फिर रुकते नहीं। यदि उनको पहचान कर उनसे छुटकारा ना पाया जाए तो बड़े से बड़े धर्मात्मा भी पथ भ्रष्ट होकर अपने विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। अरे ये तो बताओ, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो गुरु, आपको जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो रूप का सागर है, आपके छलकते मन के गागर को वो भर देगा। ये उद्यान कितना मनमोहक है गुरु। ये वो उद्यान है जहां पे पुष्प भी मिलेंगे और सौंदर्य भी, आप देखते रह जाओगे। मुरली का अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। देर करना तो उसका स्वभाव नहीं, वो आता ही होगा। लगता है वही है। शीघ्रता करो पुंडलिक। क्या हुआ ताऊ जी, क्या मैं गलत पुष्प लाया हूं? नहीं, तुम उचित पुष्प लाए, लाओ दो। ये लीजिए ताऊ जी। पुत्र, पुंडलिक नहीं आया, वो कहाँ रह गया? पूजा के पुष्प हैं, आप इनका क्या करेंगे? वो मैं सुनो। प्रेम गुरु, किस प्रकार आपको देखकर छुई मुंह से लजाकर छू मंतर हो गई। ये तो पूजा के पुष्प है, इनका आप क्या करेंगे? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। मुझे मुझे पूजा के लिए पुष्प लेके जाना है। भोर में ही कहां चला गया वो? पूजा के लिए पुष्प लाने, और कहां? आई, ये लीजिए पुष्प। और कुछ पुष्प मैं अपने गोविंद के लिए लेकर जाता हूं। गोविंद,
आपने तो कोई समाधान दिया नहीं, पर मैंने ढूंढ लिया। स्वामी, हमारा पुत्र सुपथ पर लौट आया है, तो उसे देखकर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे मन में शंका है। अचानक से उसका पूर्ण रूप से सुधर जाना विश्वास नहीं होता। लगता है जैसे हमसे कुछ छिपा रहा है। गोविंद, गोविंद, किसी से कहना नहीं, पर आज मैं उसी बगीचे में गया था जाकर कल उस सुंदरी से मिला था। अब आप ही बताओ प्रभु, पिताजी भी दुखी नहीं हुए और मुझे भी आनंद आया, तो देखा समाधान मिल गया ना मुझे। कभी तो उस प्रतिमा को छोड़कर अपने वास्तविक मित्रों से बात करो गुरु। हम यहाँ हैं, हार्ट मास के पुतले। क्या हुआ, हमारे साथ आने का साहस नहीं हुआ ना? बंसिया, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अरे इतना तो आपने भी पढ़ा होगा, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मुझे परम आनंद आता है। जब कुछ अनुभव किया ही नहीं तो कैसे पता कि परम आनंद है? अभी तो मुख दर्शन हुए हैं, रूपमती का स्पर्श किया था आपने, आपको स्मरण है ना कैसा अनुभव हुआ था? जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगत कुसंगे मित्र विष के समान है, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। मैंने तो आपको बता दिया सुख का अर्थ क्या होता है, अब आपको सोचना है कि अब क्या करना है। वैसे हार्ट का आज अंतिम दिन है, आना हो तो आ जाना। मैं जब भी यहां आता हूं कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है। वो सभी कार्य जिसमें युवा अवस्था व्यर्थ करेंगे आप, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.